गाइस तो मेरा एक दोस्त है जो कि इंडियन बेस्ट ड्राइविंग 3D का प्रो प्लेयर है। सो उसने मुझे एक ऐसा चीट कोड बताया है जिससे कोई भी छोटी कार या छोटा व्हीकल एक सेकंड में बहुत ही बड़ा जायंट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस चीट कोड की मदद से मैं भी किसी अपने व्हीकल्स को इतना ज्यादा जायंट कर दूं और उसको बेच दूं। उसके बाद तो गाइस मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। लेकिन गाइस उसमें भी एक दिक्कत है, और दिक्कत यह है कि हमारे पास तो साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं है, तो गाड़ी कहां से आएगी। और गाइस इस सिटी में मैं फुटपाथ पे रहता हूं और मेरे पास कोई घर भी नहीं है, तो गाइस हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं गरीब हूँ। वैसे मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से मैं एक सेकंड में अरबपति बन सकता हूँ, पैसा ही पैसा आ सकता है मेरे पास, और वो है मेरा फोन। मैं अपने फोन की मदद से कोई भी चीट कोड लगा के कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन हमें चीटिंग नहीं करनी है क्योंकि गाइस मैं ईमानदार हूँ। इसलिए गाइस मैं यूट्यूबर हूँ। सो मैंने चीट कोड की मदद से एक साइकिल ले ली, और साइकिल भी इसलिए ली थी क्योंकि मेरे सामने एक पुरानी गाड़ियों का गैरेज पड़ा है जहाँ पे बहुत ही सारी कार्स, बस, ट्रक सब है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना एक मस्त कार को सस्ते में खरीद के उसको मैं महंगा बेच के अपना इस सिटी में एक अच्छा सा हाउस ले लूं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 40 रुपए है, एंड 40 रुपए में तो कौन सी कार आएगी। सो इसलिए गाइस मुझे ना यहाँ पे एक साइकिल पड़ी हुई मिली है, तो एक मेरी साइकिल एंड एक ये साइकिल, दो साइकिल हो गई मेरे पास। एंड मेरे पास एक और आइडिया है, मेरा एक दोस्त है गोलू, मैं उसको फोन करूंगा एंड उससे बातचीत करके देख लूंगा कैसे क्या करना है। लेकिन मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि इस वाले गैरेज में कौन कौन सी गाड़ियां पड़ी है। लाइक यहाँ पे बस है, और यहाँ पे बोलेरो भी है, और यहाँ पे एक पुराने जमाने का ट्रैक्टर भी दिख रहा है। यहाँ पे एक स्विफ्ट पड़ी है रेड कलर की, यहाँ पे किडनैपर वैन भी है। एंड गाइस ये देखो, अबे मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसी जगह पे हमें लैम्बोर्गिनी टेरसो दिख जाएगी। एंड ये तो काफी ज्यादा एक नंबर लग रही है। एक काम करता हूँ, अंदर बैठ के देखता हूँ, एक टेस्ट ड्राइविंग ले लेता हूँ इसकी। काफी स्मूथ है एंड अंदर से भी काफी लग्जरियस है। अरे इसकी प्राइस देखो यार, ये तो $800 की है। वैसे तो काफी कम है, लेकिन हमारे पास इतने भी नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूँ। लेकिन गाइस मेरे पास ना एक आइडिया है, अगर लैम्बोर्गिनी टेरसो की जैसी सुपर कार इधर है, इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी सुपर कार्स होगी। लेकिन इस गेम में ना मेरा एक दोस्त है, मैं उससे फोन करके बात कर लेता हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लैम्बो कोइंगनेस एंड कैसी कैसी पोर्चे, गाइस इतनी अच्छी अच्छी कार्स है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। इधर आप देख सकते हो बुगाटी चिरोन भी पड़ गया इधर, और यहाँ पे रोल्स रॉयस भी है यार, एंड ये कोपरा बाइक। ये रहा नहीं जाता। हाँ सच में नहीं रहा जा रहा। इससे अच्छा तो मैं अपने दोस्त गोलू को ही फोन कर लेता हूँ। गोलू, अरे ओ गोलू, अरे मैं तो इसी गेम में रहता हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो भाई। अरे वो पुलिस स्टेशन के सामने जो गैरेज है फ्रैंकलिन के घर के साइड में। हाँ तो, अरे ये डुकाती बाइक कितनी अच्छी है गाइस, मेरा तो मन कर रहा है कि इस बाइक को ले चलूं, लेकिन ये तो खराब है। अरे तो भंगार में तो खराब ही होगा ना। अबे गोलू इधर तो टार्जन भी पड़ी है। अरे भाई टार्जन भूतिया कार, अगर ये मैं ले लेता हूँ तो मैं, अरे नहीं नहीं मत लेना वरना। अरे लो गैरेज के मालिक भी आ गए। अरे मैडम आपका है ना ये सब। क्या हो गया इसको? अरे ये मालिक नहीं हो सकती, ये तो अंधी थी। देखो दूसरा बंदा आ रहा है, वही मालिक है शायद इस गैरेज का। अरे भाई रुको, आप ही का है ना ये गैरेज, मुझे ना एक सस्ती सी गाड़ी चाहिए, कोई आप बता सकते हो? पैसा है, पैसा पैसा है तेरे पास? पैसा? अरे हाँ पैसा है मेरे पास। अरे तो मुझे क्यों बता रहा है? अरे तुमने तो पूछा। अरे सामने फायर ट्रक है भाई। अरे भाई, अरे ये भी इस गैरेज का मालिक नहीं निकला। हाँ यार मैं तो खाली फोगड़ में इसको मालिक समझ के भाव दे रहा था, ऐसे तो कितने भी आते हैं यार। चलो यहाँ पे हम एक और गाड़ी, यहाँ पे ट्रक भी पड़ा है, लेकिन ट्रक हमारे किसी काम का नहीं है। ये वाली जो कार है वो तो काफी ज्यादा महंगी है। यहाँ पे टैंक है, चलो तब मैं टैंक ही ले लेता हूँ। टैंक का प्राइस कितना है? ओ $4,000। अरे बाप रे। अरे ये देख गोलू, सुप्रा मस्टांग फरारी। अरे ज्यादा खुश मत हो, गरीब है तू। अबे हाँ गोलू, ये तो टैंक से भी ज्यादा महंगी होगी। ओड़े बाबा महंगी नहीं है, सस्ती है, ले लो ले लो।
अरे बाबर ये कौन था? गोलू यही है इस गैरेज का मालिक, चल इसके पास जाते हैं। अरे भाई सुनो सुनो, अरे अरे बॉस, अरे सुनो तो। अरे तुम बोलोगे तो सुनूंगा ना। अरे सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ना मस्टांग चाहिए, मेरी फेवरेट कार है, प्लीज सर। अरे तो बेचने के लिए ही रखे है ना, ले लो। अरे लेकिन मेरे पास सिर्फ 40 डॉलर ही है। अरे उतने में तो तीनों गाड़ी आ जाएगी। अरे तो दे दो सर। लाओ पैसे लाओ। अरे सर कोई बात नहीं, अभी भी जिंदा है, सांसें चल रही है, चलो पैसे दे देते। लो सर पैसे लो। एक सेकंड, कुछ लिखा है, नाउ यू कांट गिव हिम मनी, ही इज डेड बिकॉज ऑफ यू। अरे तुमने क्या किया? अरे मैंने क्या किया, ये तो खुद ही मर गया, ये सारे मिलके ये हमको पागल बना। दोस्तों सब गया भाड़ में, हमें अब एक ही चीज करनी पड़ेगी, हमें एक ऐसी कार ढूंढनी पड़ेगी जो पावरफुल भी हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, अच्छी भी हो और लग्जरियस भी हो और सस्ती भी हो। अबे हाँ सस्ती भी हो, वैसे यहाँ बोलेरो वेलोरो पड़ी है बट नहीं चाहिए। अरे उधर देखो वहाँ पे भी कार से। अरे हाँ यहाँ तो मैंने देखा ही नहीं, चलो देख लेते। अबे गोलू इधर देख यार, यहाँ पे तो थार रॉक सैंड, कितनी सारी थार्स है, यहाँ पे सुपर कार्स भी पड़ी है। अबे तेरी जी वेगन। अरे मुझे ऑटो मिल गया। अबे चुप, ऑटो का क्या करेगा। एंड यहाँ एक रेड कलर की जी वेगन है, एंड यहाँ पे RGB डिफेंडर है। लेकिन एक सेकंड, सामने ना वहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक्स भी दिखाई दे रहे। गाइस मॉन्स्टर ट्रक तो पड़ा है मेरे सामने लेकिन मैं नहीं लूंगा। यहाँ पे देखो फायर ट्रक से लोग अभी भी टकरा रहे, पता नहीं लोगों को क्या हो क्या है। अरे हाँ सारी के सारे लोग बार बार टकरा रहे हैं। अबे गोलू मुझे क्या लगता है कि अपनी सिटी में जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना एक इंसान दो इंसान तो चलो टकरा सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोग बार बार कैसे टकरा सकते हैं? अरे काम करते हैं ना, देखते हैं कितने लोग और टकराते हैं। अबे हाँ लेकिन मैंने क्या सोचा है, हम ना थार रॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, भले वो महंगी होगी लेकिन कोई बात नहीं, हम चुरा लेंगे। अरे लेकिन चीटिंग नहीं करनी ना। अरे चीटिंग थोड़ी करूंगा मैं, तो ईमानदारी से चोरी करूंगा। तो अभी हमारे सामने तीन लोग मर चुके हैं। देखो गाइस गड़बड़ तो है, इससे पहले भी काफी लोग इस वाले फायर ट्रक से टकरा के मर गए थे और अभी भी टकराते ही जा रहे हैं। ये तीन लोग भी मर गए एंड अभी भी लोग आते जा रहे हैं और टकरा के मर जा रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से टार्जन भूतिया कार थी, ये फायर ट्रक भी भूतिया हो गया। अभी देखिए अंकल जाएगा सीधा फायर ट्रक के पास, उसके पास बहुत रास्ता है लेकिन कहीं नहीं जाएगा और सर मार देगा जाके फायर ट्रक में, देखा। अरे लोग अपने आप ही खुद का सर फोड़ रहे हैं। अबे चल भाड़ में जाए हमें क्या, हम तो हमारी थार रॉक्स लेके चलते। देख ये अभी जा रही है और जानबूझ के अपना सर फोड़ देगी, फोड़ दिया। अब जाने दो इसको, हमें क्या लेना देना, हम तो अपनी थार रॉक्स ले लेते गाइस, ईमानदारी से चोरी करेंगे इस बार। चीटिंग 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 करता है तू। अरे देखो ये भी मरने जा रही है। जाने दो यार, पागल लोग जानबूझ के मर रहे हैं। ये वाली जो थार रॉक्स है वो हमारी इस वाली गेम में न्यू ऐड हुई है एंड वैसे भी काफी न्यू मॉडल है। वैसे देखो वो मरने जा रही है, हम उसको बचा सकते हैं क्या? अरे ओ मैडम रुक जाओ प्लीज। अरे नहीं नहीं, अरे गोलू बोल कुछ। मर गई यार, ऐसे तो मेरी पूरी की पूरी सिटी के लोग मर जाएंगे, किसी ने काला जादू कर दिया है मेरे लोगों पे, सब अपने आप ही आके सर फोड़ रहे हैं। अरे हाँ हमें बचाना पड़ेगा इनको। अच्छा देखो मेरे पास एक आइडिया है लेकिन वो काम करता है कि नहीं वो नहीं पता। सो देखो यहाँ पे ये जो सर है वो जाकर सीधा अपना सर फायर ट्रक में मार देंगे एंड यहाँ पे वो मर चुके हैं एंड उनके साथ साथ ये वाली जो लड़की आई है ये भी सीधा फायर ट्रक में जा रही है अपना सर मारने के लिए, लेकिन मैं उसको फायर ट्रक से टकराने ही नहीं दूंगा, मैं जाकर यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा एंड उसको धक्का मार दूंगा एंड फाइनली गाइस हमने उसको बचा लिया है। यार इसलिए मुझे इस सिटी का हीरो बोलते हैं क्योंकि मैंने इस लड़की की जान बचा ली। एंड गोलू तूने देखा ना किस तरीके से मैं लोगों की मदद करता हूँ। हाँ यहाँ पे एक अंकल मरे हुए गाइस, सो प्लीज गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे नहीं, अरे हमारी सिटी को क्या हो गया है? अबे यार मैंने वहाँ से लोगों को बचाया तो अभी गाड़ी वाले मेरे लोगों को मार रहे हैं। और हाँ हमारी सिटी की पुलिस कहाँ है? मेरी सिटी में कोई सेफ है ही नहीं, यहाँ पे देखो किसी की साइकिल पड़ी है, उसको भी कुचल दिया होगा किसी गाड़ी वाले ने, और हमारी सिटी की जो पुलिस है वो सो रही है ऐसा लगता है। अभी मैं अगर किसी को मार दूंगा तो पूरी की पूरी पुलिस आ जाएगी मेरे पास। गाइस तो मौसम बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका है और देखो एक गरीब औरत बेचारी रास्ते के बीच में बैठकर गाड़ी वाले से भीख मांग रही है। देखो इस गाड़ी वाले ने जिब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी खड़ी कर दी है एंड जैसे ये आदमी गया उसने आदमी को कुचल दिया। हमारी सिटी में आम लोगों की हत्याएं हो रही है।
अरे यार ये तो गलत है गाइस, अगर आपको भी लगता है कि ये गलत है तो मुझे कमेंट में गलत लिख के बताओ। देखो अभी ये जा रही है, ये तो अच्छे लगते हैं। अरे देखो आप संभल के जाना। अरे थैंक यू गरीब इंसान, हमारी सिटी है ही ऐसी, संभल संभल कर जाना पड़ता है। देखो एक एक कदम फूक फूक के रख रही हूँ। अरे देखना मुझे ठोक मत देना। अरे इसको किसी ने नहीं ठोका, ये तो बच गई। चलो अच्छा है कोई तो जिंदा बच गया। देखो गाइस झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी इंसान हूँ और मेरा भी मन करता है कि इस गेम में जितने भी एनपीसी है सबको ठोक डालो, सबको हेडशॉट दे दूं। लेकिन गाइस क्या करें, अगर मैंने किसी को भी मारा तो यहाँ पे पुलिस आ जाएगी एंड अभी मैं पुलिस से पंगा लेना नहीं चाहता। देखो आप देख सकते हो इधर, बट मैं इसको नहीं मारूंगा क्योंकि यार मैं अच्छा इंसान हूँ। अरे झूठ क्यों बोल रहा है, ऐसा बोलना कि तुझे पुलिस से डर लग रहा है। बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ ठीक है यार गाइस, अभी बारिश बहुत ही ज्यादा खतरनाक चालू हो चुकी है एंड अभी शाम का टाइम है, थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी एंड बिजली तो देखो यार। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलता हूँ, वैसे ये एरिया सेफ बिल्कुल भी नहीं है, पुलिस स्टेशन के पास है फिर भी सेफ नहीं है। देखो यार इसको भी मार दिया किसी ने। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है एंड वो है कि मैं अपनी थार रॉक्स में बैठ कर यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ बुरे लोगों को मिटाया जाए, दो चार गाड़ियां उड़ा देता हूँ ताकि यार कुछ लोग बच जाए, वरना ये गाड़ी वाले सबको कुचल देंगे। अरे हाँ देखो सामने लैम्बोर्गिनी आ रही है। सो मेरे सामने जो लैम्बोर्गिनी आ रही है मैंने उसको इजीली उड़ा दिया है अपने आरपीजी से। बारिश में तबाही करने का तो मजा आ रहा है। गाइस तो मैंने क्या किया ना, वहाँ पे लैम्बोर्गिनी पड़ी थी मैंने वो उठा ली। वैसे मैंने जी वैगन ले ली थी लेकिन इसका मालिक आ गया एंड मेरे पास से वापिस से जी वैगन छीन ली। एंड गाइस आपको तो पता है कि मैं किसी निर्दोष इंसान को नहीं मार सकता, इसलिए मैंने रोल्स रॉयस चुरा ली एंड अभी उसको लेके मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। अरे लेकिन तेरा तो कोई घर ही नहीं है। अबे गोलू के बच्चे तूने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अभी मैं इतनी बारिश में कहां जाऊंगा। गाइस तो अभी मेरे पास एक ही लास्ट रास्ता बचा है, मैं किसी इंसान को मार के सीधा जेल में चला जाता हूं तो मैं बारिश से तो बच ही जाऊंगा। सो मेरे सामने जो बंदा है उसको मार दिया एंड फाइनली मैं बारिश से तो बच चुका हूं। अबे गधे हमारी पुलिस जेल नहीं बेचती, सीधा गोली मार देती है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो गाइस मैं इस वाली साइकिल को उठा के सीधा भागता हूँ फ्रैंकलिन के घर पे, मेरा मतलब है कि फ्रैंकलिन के ओल्ड हाउस पे चला जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे फ्रैंकलिन नहीं रहता। एंड यहाँ पे पुलिस आ चुकी है, जब इतने लोग मारे जा रहे थे तब तो पुलिस नहीं आई थी एंड जब मैंने किसी को मारा तो पुलिस आकर इधर खड़ी हो चुकी है। अरे बाबा भाग वरना मार देगी पुलिस। बहुत ही ज्यादा डैमेज हो रहा है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। मुझे गाइस सीधा सीधा जाना है एंड फिर वहाँ से लेफ्ट लेना है एंड फिर एक बार लेफ्ट लेना है और फिर राइट लेके सीधा घर में चला जाऊंगा। वैसे मैंने तो एक ही इंसान को मारा यार, मैंने तो कुछ भी नहीं करा फिर भी पुलिस मेरे पीछे आ चुकी है। देखो गाइस सामने ना फ्रैंकलिन का घर दिख रहा है, येलो कलर का, फ्रैंकलिन का ओल्ड हाउस है। हम इस हाउस में चले जाते हैं, मेरे पास साइकिल है एंड मैं क्या ही जा रहा हूँ। ओ भाई बिजली कितनी ज्यादा गरज रही है, रात होने वाली है अभी। फाइनली आखिरकार रात होने से पहले मैं यहाँ पे फ्रैंकलिन के घर पे तो आ चुका हूँ ओल्ड हाउस में एंड पुलिस भी आ गई है भाई। भागने से पहले मैं पुलिस वाले को उड़ा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पुलिस को और उसकी गाड़ी को उड़ा दिया है एंड ये वाला जो फ्रैंकलिन का घर है ना बहुत ही ज्यादा सेफ है, यहाँ पे पुलिस मुझे कुछ भी नहीं कर सकती, पुलिस मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती। अरे गाइस रात भी हो गई है, पुलिस सीधा घर में घुस गई। ओ भाई वो भी गाड़ी लेके, यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे बाप रे ये तो स्विमिंग पूल में घुस के मार रहे। कोई बात नहीं गोलू चिल्ला मत, मैं चला जाता हूँ टेरेस पे, अभी मुझे कोई नहीं मार सकता एंड यहाँ बालकनी से मैं उनकी सारी की सारी गाड़ियों को ब्लास्ट कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं आरपीजी ले लेता हूँ और जब आप फ्रैंकलिन ना हो ना तो पुलिस से पंगा नहीं लेते, तो बनो प्रो।